उ की मात्रा लगी है, फिर क में उ की मात्रा, कु मात्रा से ही शब्द क्या बन रहा है, कु आ कुआ, बड़ा उ, कु मात्रा से ही शब्द देखिए, कूप, अब री ऋषि की देखो मात्रा लगी है, क्र, अमित बना है मात्रा से ही शब्द, कृपा क्या बना, कृपा, ए ए देखो एक डंडा लगा हुआ है ना, ए के ए आ रहा है देखो, के ए क्या शब्द बनाया है, केक, अब आई की मात्रा, कई देखो इसको के नहीं पढ़ेंगे, कई इधर पढ़ेंगे के मरा, इसको के मरा नहीं पढ़ेंगे, कई मरा, आई की मात्रा लगी है ना, ओ को, फिर कोयल, को ओ आ रहा है देखो, को ओ आ रहा है ना पीछे, तो कोयल, अब है औ की मात्रा, कौ, फिर कौन है ना, कौ औ औ आ रहा है पीछे देखो, कौन, अब अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक स्वर के साथ मिला होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह हर स्वर के साथ मिला होता है, देखो च च प प, देखो पीछे देखो आप अ आ रहा है, य घ घ द ढ ठ र र, किसी भी व्यंजन को स्वर के बिना लिखते हैं तो उसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है, क्या करते हैं, किसी भी व्यंजन को अगर बिना स्वर के लिखते हैं तो ऐसा हलंत, देख रहे हैं ना आप, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस तरह लिखा जाता है। अब र में उ और उ की मात्रा का प्रयोग, र में देखिए आप उ और उ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, उ की मात्रा हर अक्षर में कैसे लगाते हैं, अपन नीचे की तरफ लगाते हैं, लेकिन र में नहीं लगाते, र में हम इस तरह लगाते हैं, देखिए आप लिखा हुआ है किस तरह, र प्लस उ, और देखिए मात्रा रूपया, और देखो गुरु, ग में हमने उ की मात्रा कैसी लगाई है, ऐसे, और र में कैसे लगाई है, अलग तरीके से, र के नीचे नहीं लगाई हमने, र के ऊपर ही देखो लगाई है, तो र में उ की मात्रा ऐसे लगती है, नीचे नहीं लगती, बड़े उ की मात्रा भी उसमें ऐसे ही लगती है, रू प रू ठ ना या रूप, देखिए छोटे उ की मात्रा कैसी लगी हुई है, जरा से ऐसे करके ऐसे लगी हुई है, और ऊ की मात्रा कैसे लगी हुई है, बड़े ऊ की, बिल्कुल बड़े ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा लगाई है, लेकिन कहाँ लगाई है ये अच्छी तरह देख लीजिए आप, र कभी भी अक्षर आएगा तो आपके बड़े ऊ की मात्रा ऐसे घुमाकर लगानी है, और र में इस तरह लगानी है, र में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगाते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, मैंने आपको बताया था ना संयुक्त व्यंजन के बारे में, आपको बताऊंगी, शत्रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है, ये दो वर्णों के मेल से बने, मतलब दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, वर्णों मतलब अक्षरों के मेल से बनते हैं, अब देखो श्र श क और श, क प्लस श श्र, क्षण परीक्षा कक्षा क्षमा, अब आप खुद ही देखो, आप लोग खुद बोल के देखो, क और श श्र आ गया, अब देखो त्र, त प्लस र त्र, त प्लस र त्र, पत्र मित्र चित्र यात्रा, त्र त्र त्र, त और र आ रहा है ना, त्र त्र त और र, अब देखो ज्ञ, ज और ज्ञ, ज्ञानी आज्ञा अज्ञात संज्ञा, ज्ञ ज्ञ है ना, बोलो ज्ञ, तो ज और र, ज्ञ ज्ञानी और आज्ञा अज्ञात संज्ञा, अब श्र, श्र बोलो कि देखो मुँह से, श्र श प्लस र श्र, श्रमिक श्रीमान श्रवण श्रीमती, संयुक्त व्यंजन होते ना जो, वो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, एक वर्ण के मेल से नहीं बनते, दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे श्र त्र ज्ञ और श्र, ठीक है बच्चों।